नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम वीड मैनेजमेंट के आखिरी श्रेणी के क्वेश्चंस करते हैं। द फ्लेरिस माइनर केम टू इंडिया थ्रू वीट, वो तो इसका आंसर आएगा वीट आए या इंपोर्टेड वीट आए 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड थ्रू इंसेक्ट्स एंड पैथोजन डिपेंड अपॉन होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी होस्ट स्पेसिफिक होगा तभी उसका बायो कंट्रोल एजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेलोगाइजा क्यूकेटी हैज़ बीन फाउंड यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड कस्क्यूटा, कस्क्यूटा वीड को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 144, द ऑर्गेनिक केमिकल फॉर वीड कंट्रोल टुक रूट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डैस एंड सेलेक्टिव हर्बिसाइड इन 1935। तो 1935 में जो आए थे वो नाइट्रोफिनोल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, द डिस्कवरी ऑफ डैस इन अर्ली 40s, अर्ली 40s का जो भी नाम आए तो हमेशा याद रखना इसका आंसर होता है 240, अगर केमिकल वीड कंट्रोल की बात आती है तो। इन 1941 240 वाज फाउंड इन इफेक्टिव एज फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, क्योंकि तब तो केमिकल की टेस्टिंग की जाती थी तो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड ग्रुप में इसका जो रिजल्ट था वो जीरो था और ये हर्बिसाइड ग्रुप में इसको यूज किया जाने लगा। 147, रिपोर्टेड दैट सेलेक्टिव वीड कंट्रोल बाय 240 इन ब्लू ग्रास लोन इन USA, ये मार्थ एंड मिक्चल MARTH मार्थ एंड M&M भी बोल सकते हो इसको, मार्क एंड मिक्टेल। नेक्स्ट है हैमर एंड टकीन 1944 सक्सेसफुली यूज 240 इन फील्ड वाइंड वीड को कंट्रोल करने के लिए 240 को यूज किया था हैमर ने 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैस रेफर टू किलिंग ऑफ टारगेट प्लांट इन ए मिक्सड पॉपुलेशन विदाउट हार्मिंग ओनली स्लाइटली अफेक्टेड अदर, मतलब मिक्सड पॉपुलेशन में केवल टारगेट प्लांट को मारे तो क्या कहलाती है हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी, क्या कहेगी वो हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, वोलेटिलिटी फैक्टर हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीथल इफेक्ट ऑफ ट्राइफ्लोरलिन ऑन फॉक्स मिलेट, एंड फॉक्स मिलेट और किस पे काम करती है ये कुटकी पर जिसका नाम है पैनिकम मिलियसम, तो पैनिकल मिलियसम को भी ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, मोस्ट ऑफ द सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड यूजुअली कंसंट्रेटेड इन अपर डैश ऑफ द टॉप सोयल, तो जितने भी सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड हैं वो कहाँ काम करते हैं 2 से 8 सेंटीमीटर के बीच में सारे काम करते हैं, उसके नीचे वो नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 152, वंस ए हर्बिसाइड इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्लांट सिस्टम इट मूव्स एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, यानी ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और दो नीचे की तरफ भी आ सकते हैं और दोनों तरफ भी हो सकते हैं, एपोप्लास्ट मतलब ऊपर की तरफ, सिम्प्लास्ट का मतलब नीचे की तरफ, तो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, तो इसका आएगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक दोनों मैनर से ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 153, डैश यूरासिल एंड यूरिया हर्बिसाइड इम्बोर्डिंग लो एबिलिटी टू एंटर सिम्प्लास्ट इन लीव्स मूव्स एक्रोपेटली वाया एपोप्लास्ट टू द लीफ मेसोफिल वाया रैपिडली विद द वाटर, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तीन ऐसे ग्रुप है, पहला ट्राइएजिन्स, यूरासिल एंड यूरिया, ये इनकी एबिलिटी सिम्प्लास्टिक मैनर से यानी वाटर के साथ लिविंग टिश्यू के साथ जाती है वो कम होती है, और एपोप्लास्ट नॉन लिविंग सेल रूट के थ्रू जाती है, तो ये लिविंग रूट से इन तीनों की
मूवमेंट कम होती है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है 154, डैश ए हर्बिसाइड मूव्स इन यंग प्लांट्स देन ओल्डर प्लांट्स। तो यंग प्लांट्स होंगे उनमें हमेशा मूवमेंट फास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, द इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ए हर्बिसाइड एट हायर ह्यूमिडिटी इज ड्यू टू इंक्रीज इन, अब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी होगी तो क्या रहेगा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा होता, तो ये क्या हो गया, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन के कारण हायर ह्यूमिडिटी होती है तो इंक्रीज हो जाता है ट्रांसलोकेशन। 156, द हर्बिसाइड जैसे पैराकूट या 2,4-D पेनिट्रेट्स लीव सरफेस रैपिडली एंड आर नॉट सीरियसली अफेक्टेड बाय डैश फॉलिंग इवन इन द आउटडोर एप्लीकेशन। सीधी सी बात है, रेन के एप्लीकेशन अगर एक घंटे के अंदर भी रेन आ जाती है तो 2,4-D का और पैराकूट डाइक्लोराइड पे असर नहीं पड़ता। 157, डैश आर नॉन हर्बिसाइडल कंपाउंड, यानी जो भी चीज़ छिड़केंगे उसका हर्बिसाइडल इफेक्ट नहीं होगा विद इन्हांस द एब्जॉर्प्शन, तो इसमें क्लियर हो जाती है बात, उनको क्या बोलते हैं हम, सरफेक्टेंट बोलते हैं, SURFACTANTS। क्वेश्चन नंबर 158, हाइड्रोफिलिक एंड डैश बैलेंस, दो ही बैलेंस होते हैं, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, ये बैलेंस होता है, ये क्या करेगा, आर्बिट्री नंबर यूज इन कैटेगराइजेशन ऑफ सरफेक्टेंट, क्योंकि किसी चीज़ का या तो हाइड्रोफिलिक नेचर होगा या लाइपोफिलिक नेचर होगा। 159, पेनिट्रेशन एजेंट इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन ऑफ हर्बिसाइड बाय सोल्युबलाइजिंग द डैश ऑफ सेलवाल, सेलवाल के ऊपर क्या होती है सबको पता है, वैक्सीलेयर का दोस्को या लाइपोडियल पार्ट का दो, चिकने वाला पार्ट, फैट वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, इसलिए जो पेनिट्रेशन एजेंट्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं उसके एक्शन को ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब होके नीचे जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, हमारा हो गया 160, MSMA व्हेन फॉलरली अप्लाइड, यानी पत्तियों पर जब इसको अप्लाई करते हैं, मूव प्राइमरी इन जाइलम एक्रोपेटली, इसका आ जाएगा ACRO, एक्रोपेटली मूवमेंट होता है इसका जाइलम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 161, द एब्जॉर्प्शन ऑफ पैराक्वेट डाइक्लोराइड और डाइक्वेट बाय लीव्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कैटायनिक एंड पोलर नेचर, कैटायनिक एंड पोलर एक्टिविटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बेसिस पे वो एब्जॉर्ब होती हैं और उनका मूवमेंट होता है। 162, द हर्बिसाइड विच इनहिबिट और ब्लॉक ऑक्सीजन इवोल्यूशन आल्सो इनहिबिट नॉन साइक्लिक मूवमेंट, तो उसको क्या कहेंगे, फोटोफास्फोराइलेशन उसको बोलते हैं। एक्रोलाइन ए जर्नल कॉन्टैक्ट एक्वेटिक हर्बिसाइड, यानी पानी वाली वीडों को मारने काम करती है, थ्रू इट्स डैश एक्टिविटी डिस्ट्रॉइंग द वाइटल प्लांट सेल एंजाइम सिस्टम, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फा एल हाइड्राइल, SULPHA, सल्फा हाइड्राइल, HYDRYL, तो ये क्या करती है, पानी के अंदर होती है तो वीड्स को किल करने का काम करती है। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 164, ट्रायजिन हर्बिसाइड इनहिबिट डैश रिडक्शन कोचिंग एकुमुलेशन, इट्स एकुमुलेशन इन प्लांट, तो 164 में आता है नाइट्रिलेस, NI नाइट्राइट्स, NITRITES, नाइट्राइट्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं एकुमुलेशन को होने से, ट्राइजिन की जब एप्लीकेशन हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 165, इट इज़ वाइडली नोन दैट द सब्स्टिट्यूट यूरिया इन यूरिया हर्बिसाइड इनहिबिट द हिल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसका आएगा
हिल रिएक्शन। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड यूरिया या हर्बिसाइड डाली जाती हैं तो हिल रिएक्शन को वो नहीं होने देती, इनहिबिट कर देती है और प्लांट स्टारवेशन से मर जाता है। 166 इन सिमेजिंग डैश टेक प्लेस बाय रिप्लेसिंग द क्लोरीन मॉलिक्यूल एट द सेकंड पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसाइलेशन। हाइड्रो एक्स वाई एल ए टी आई वन है, हाइड्रोक्साइलेशन। ये क्या करती है, हाइड्रोजन आयन्स के मूवमेंट करती है और उससे प्लांट में इसकी शॉर्टेज हो जाती है, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 167 इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर रिस्पॉन्स टू एट्राजिन इज ड्यू टू इज ए सोल्यूबल एंजाइम ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज टू डॉक्सिफाई दी कैटाइन द फॉर्मेशन ऑफ डैश कंजुकेट इन मेज। एट्राजिन आगे आप आंसर में दिया है ग्लूटाथियोन, तो ये एंजाइम होता है जो फॉर्मेशन डिटॉक्सिफाई करने पे हेल्प करता है और कंजुगेट कर जाता है मेज के अंदर और जिसके कारण उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आते। 168 इन इंडिया पंडिया केन्स हैव बीन फाउंड मोर सप्टेबल टू 2,4-D देन सी ओ 419 एंड पी ओ जे 2,878 पी ओ जे 2,878 जिसके जो इसको क्या करते हैं, इसकी हर्बिसाइड इफेक्ट को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 इन डैश हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स वेरियस हर्बिसाइड्स और देयर कम्बिनेशन आर यूज्ड। तो इसमें क्या आएगा, इन मल्टीपल क्रॉपिंग, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई हॉर्टिकल्चर की और प्लांटेशन की तो हम उसमें कंबाइंड हर्बिसाइड्स को यूज करते हैं। 170 द मिनिमम टिलेज फोलियर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इज फॉलोड बाय देयर डैश एप्लीकेशन। तो अगर मिनिमम टिलेज है तो मोस्टली कहाँ अप्लाई होती हैं, सोयल अप्लाइड होती हैं। 171 डैश रेफर टू द टोटल इफेक्ट ऑफ कम्बिनेशन विच इज इक्वल टू द सम इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली। तो सीधी सी बात है, जब उसका इफेक्ट उसके बराबर आता है तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव। एडिटिव इफेक्ट्स रेफर्स टू द टोटल इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। 172 द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग टू द आउटर लिमिट ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड एज सोलर कॉन्स्टेंट। कि एक एरिया में एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रिसीव होती है वो क्या कहलाती है, सोलर कॉन्स्टेंट कहलाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 172 ये हमने कर लिया। 173 द रेन ड्रॉप्स दैट रीचेज द ग्राउंड रेंज जो धरती पर गिरती है वो कितनी रेंज में होती हैं, 1 सेंटीमीटर 1 mm से और 5 mm तक मैक्सिमम होती हैं। तो इसका डायमीटर क्या होगा, लेस देन 1 mm भी हो सकती है और 5 mm से तक जा सकती हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 से 5 mm। 174 प्रेसिपिटेशन इज एसोसिएटेड विद डैश कूलिंग एंड कंडेंसेशन इन राइजिंग एयर। जब प्रेसिपिटेशन के साथ साथ कूलिंग होकर कंडेंसेशन होगा राइजिंग एयर के साथ, उसको क्या कहते हैं, एडियाबेटिक ADIABATIC इफेक्ट, एडियाबेटिक इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 175 एट सी टोर्नेडोस आर नोन एज वाटर स्प्राउट्स भी बोलते हैं इसको, वाटर स्प्राउट्स। क्वेश्चन 176 द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफोटरिज्म गवर्न्स ए वाइड वैरायटी ऑफ जियोलॉजिक एंड क्लाइमेटिक स्टडीज दैट इन्वॉल्व ऑर्गेनिक रेजिड्यूज। अगर आप
यूनिटेरियन की स्टडी करते हो, जो इसमें जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर स्टडी होती है, तो उसमें क्या मेन आता है? ऑर्गेनिक रेजिड्यूज मेन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, इसमें आया इन द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स एज वेल एज ऑर्गेनिज्म बिकम अडेप्टेड टू द अनफेवरेबल सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी दोनों इंटरेक्टिव मैनर में रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एक्लिमेशन, AACLIMATION, एक्लिमेशन कहलाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 179 रह गया, ऊपर जो कटा हुआ मैं उसको भी रिपीट कर देता हूँ कि डिलेड ट्रांसप्लांटिंग लीड्स टू पुअर टिलरिंग डैश फ्लावरिंग ऑफ द मेन टिलर्स एंड रिडक्शन इन द यील्ड। तो क्या आएगा इसमें? अर्ली फ्लावरिंग को डिलेड हो जाती है और मेन टिलर्स भी कम हो जाते हैं, अल्टीमेटली रिडक्शन यील्ड हो जाती है, यानी जितना हम ट्रांसप्लांटिंग को डिलेड करेंगे ये सारी दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 180, डैश सीडलिंग्स पर ईल आर ट्रांसप्लांटेड एट 20 × 10 डिस्टेंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो ये क्या होगा? 2 से 3 हम सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं पर हिल में, राइस के अंदर। 181 में, इन ओवर एज सीडलिंग द नंबर ऑफ सीडलिंग पर हिल शुड बी कितना होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा उसके अंदर कि अगर नॉर्मल में 2 से 3 डालेंगे तो अगर हमारे पास लेट कंडीशन हम इंक्रीज करनी पड़ेंगे तो 2-3 से ज़्यादा, तो इंक्रीज नंबर भी कर सकते हो या इसको 3-4 या 4 से 5 भी कहीं आंसर हो तो आप दोनों डाल सकते हैं। तो हायर नंबर होंगे नॉर्मल कंडीशन में, और नॉर्मल कंडीशन में कितनी लगती है पर हिल? 2 से 3। 182, रिलेटिवली ओल्डर राइस सीडलिंग एस्टेब्लिश बेटर देन द यंग सीडलिंग इन एल्कलाइन सोयल, क्योंकि वहाँ पर सोडियम एक्सचेंजेबल ज़्यादा होता है और वहाँ ये आसानी से एस्टेब्लिश हो जाती है। 183, द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस सीडलिंग डीपर देन 2 to 3 सेंटीमीटर डेड एंड इनहिबिट्स, क्या करते हैं ये? टिलरिंग इनहिबिट हो जाती है। सबको पता है कि ट्रांसप्लांटिंग की राइस की जितनी डीपर जाएगी वो डिलेड होगी तो टिलरिंग कम होगी उसमें, तो क्या करेगी? टिलरिंग को इनहिबिट करेगी। 184, डेप्थ ऑफ सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कल्टिवेशन ऑफ ड्वार्फ वेराइटीज। तो जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो इम्पोर्टेंट है ड्वार्फ वेराइटीज में, क्योंकि उनकी हाइट छोटी रहती है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन के ऊपर अगर उनकी हम डेप्थ को मैनेज नहीं करते तो जो पहली लीफ निकलती है उसकी टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 185, द लेंथ ऑफ कोलोप्टाइल, ये आ गया हमारे पहले का 84 का आंसर भी, द लेंथ ऑफ कोलोप्टाइल ऑफ ड्वार्फ वीट वराइटीज इज, तो वराइटीज मैंने बता दिया कौन सी वराइटी इज कंपेयर टू टॉल, तो जो लेंथ ऑफ कोलोप्टाइल होती है उसका मेन इश्यू होता है। 186 में, द सीड ऑफ द ड्वार्फ वीट वराइटी शुड नॉट बी सोन डीपर देन 5 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो टेलरिंग नहीं होगी, जर्मिनेशन बहुत पुअर रहेगा। 187, द लेट सोन वीट डीप सोइंग डिलेड इमरजेंस ऑफ सीडलिंग बाय 2 to 3 days, तो अगर उसकी इमरजेंस में 2-3 दिन का अंतर है तो 5-6 दिन का अंतर किस में हो जाएगा? हेडिंग में हो जाएगा, कि उसकी बालियाँ जो बाहर आती हैं उनमें 5 से 6 दिन का अंतर हो जाता है। 188, सोयाबीन ग्रोज वेल इन, सोयाबीन खरीफ फसल है तो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस में, द टेम्परेचर ऑफ 26.5 to 2 days अपीयर टू ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द वीट वेराइटीज और मोस्ट ऑफ द सोयाबीन वेराइटीज। तो खरीफ में बोई जाती है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहेगा? 26 से
30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है ग्रोथ के लिए। 190 द सोयल टेम्परेचर ऑफ डैश इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ सोयाबीन। तो सोयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। द लोअर टेम्परेचर टेंड टू डिले डैश इन फ्लावरिंग। अगर लोअर टेम्परेचर चला जाता है तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है।